मॉर्निंग फ्रेंड्स। दो टाइप की इनकम होती है। पहली एक्टिव इनकम, जिसे कमाने के लिए हमारा हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, जॉब करना या अपनी दुकान खोल के उसे खुद से चलाना। और दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिससे पैसे आने के लिए आपका काम करना जरूरी नहीं होता, या काम करना भी पड़े तो वो भी बहुत कम। एग्जाम्पल, दुकान को भाड़े पे दे देना, जिससे आपको मंथली इनकम आती रहे बिना कुछ करे, या मेरी तरह इस नेटवर्क में जुड़ के कम मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाएं। डायरेक्ट सेलिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अगर हम आज के जो पारंपरिक खरीदारी के तरीके को समझें, तो वहाँ पे एक कंपनी होती है और कस्टमर होता है। तो यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदते। हमारा जो खरीदारी का तरीका होता है उसमें कंपनी से प्रोडक्ट जाता है C&F एजेंट को, C&F एजेंट से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास यानी दुकानदार के पास, रिटेलर से आता है हमारे पास यानी कस्टमर के पास। और ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ये कस्टमर को कैसे पता लगता है? जब वो कंपनी के प्रोडक्ट की एड देखता है, चाहे टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। इस वजह से जो चीज 40 रुपए में बनती है वो कस्टमर को मिलती है 100 रुपए में, बीच में जो 60 रुपए है वो जाता है इन पांच लोगों के पास। और ये पांच लोग हैं जिनकी जनसंख्या दुनिया में 20% है, लेकिन इन लोगों के पास दुनिया का 80% पैसा है। और हम लोग जो कि 80% है, इन लोगों की जेब भरते हैं, हमारे पास दुनिया का सिर्फ 20% पैसा है। इसको ध्यान में रखते हुए 1886 में USA में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक कंपनी है और कस्टमर है, बीच के सारे लोगों को हटा दो, कंपनी को सीधा जोड़ो कस्टमर से। 40 रुपए में कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, 100 रुपए में कस्टमर लेगा, बीच का जो 60 रुपए है वो वापस कस्टमर को दिया जाएगा। लेकिन इस 60 रुपए को लेने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसे यूज करना है, और दूसरा उसको प्रमोट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, टी, कॉफी, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर एक्सेट्रा, ये सब चीजें दुकान से या मॉल में से कहीं ना कहीं से खरीदते ही होंगे। पर ये सब चीज लेने से हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उस दुकानदार का फायदा होता है। और मेरे ख्याल से हम महीने का 1000 से 1500 रुपए या उससे भी ज्यादा इन सब चीजों पे खर्च कर देते हैं, पर हमें आज तक कुछ रिटर्न में नहीं मिला। इसको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी से जुड़ के इसमें से वो सारे प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इसमें ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और कोई रिन्यूअल भी नहीं है, प्लस कोई टारगेट भी नहीं है। मंथली आपको इतने की खरीदारी करनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप जो सामान ले रहे हो उसी का पैसा देना है। और हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो हम दुकानदार के पास से खरीदते थे वही सब चीजें हमें यहाँ से खरीदनी है। अब मैं आपको इस बिजनेस में होने वाले 7 लाभ के बारे में बताती हूँ। पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो कि 10% से 20% तक मिलता है। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 5% से 20% तक मिलता है। तीसरा है डायरेक्टर बोनस, जो कि 14% मिलता है। चौथा है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि 15% मिलता है। पांचवा है ट्रैवल फंड, जो कि है 3%। छठा है कार फंड, जो कि है 5%। और सातवा है हाउस फंड, जो कि है 3%। टोटल होता है 60%। आप अपने वेस्टेज के कारोबार में जितना अधिक लोगों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कमीशन पाएंगे। अभी मैं बात करती हूँ परफॉर्मेंस बोनस की। तो ये कैसे मिलता है? जब हमारी टीम का बिजनेस होता है 16 BV से लेके 8000 BV तक, तो हमें 5% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 8000 16 BV से लेके 32000 BV का बिजनेस होता है तो 8% मिलता है। 32000 16 BV से लेके 72000 BV का बिजनेस होता है तो 11% मिलता है। 72000 16 BV से लेके 120000 BV का बिजनेस होता है तो 14% मिलता है। 120000 16 BV से लेके 160000 BV का बिजनेस होता है तो 17% मिलता है। और 160000 16 BV के ऊपर जब हमारा बिजनेस पहुंच जाता है तो हम डायरेक्टर हो जाते हैं और हमें 20% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमें ये एक महीने के अंदर ही इतना बिजनेस करना है। एक बीवी मतलब 1 रुपया 66 पैसा, क्योंकि वेस्टेज में बिजनेस क्यूमुलेट होता है, मतलब जुड़ते क्रम का है।
सबसे बड़ा फायदा इस बिजनेस में ये है कि इसमें हमारा बिजनेस कभी शून्य नहीं होता, क्योंकि ये जुड़ते क्रम का है। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि पहले महीने में आपका बिजनेस हुआ 40,000 बीवी का, मतलब आप 11% के स्लैब में आ गए, तो आपको 11% के हिसाब से 4,400 रुपए का कमीशन मिलेगा। अगर ये 40,000 बीवी का बिजनेस आपने अकेले ने किया है तो ये 4,400 का कमीशन पूरा आपको ही मिलेगा। अगर आपने अपनी टीम के साथ मिलके ये 40,000 बीवी का बिजनेस किया है तो ये 4,400 आपकी टीम में बिजनेस के हिसाब से बांट दिया जाएगा, और अगले महीने ज्यादा नहीं बल्कि उतना ही बिजनेस हुआ 40,000 बीवी का, तो आप सोच रहे होंगे कि इस महीने भी आप 11% के लेवल पे रहोगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस क्यूमुलेटिव है, जुड़ते क्रम का है। 40,000 जोड़ 40,000 इक्वल्स 80,000, मतलब आप 14% के स्लैब में आ गए। इस 40,000 का कमीशन तो आपने पहले महीने में ले लिया है, तो अब आपको ये 40,000 का 14% कमीशन मिलेगा, मतलब 14% के हिसाब से आपका कमीशन होता है 5,600। आपका बिजनेस तो उतना ही हुआ पर आपका कमीशन बढ़ गया। तीसरे महीने में आपका बिजनेस हुआ 81,000 बीवी का, 80,000 जोड़ 81,000 इक्वल्स 161,000, मतलब आप डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लेते हैं, मतलब आप 20% के लेवल पे आ जाते हैं। अगर ये 81,000 बीवी का बिजनेस आपने अकेले ने किया है तो ये 16,200 का कमीशन पूरा आपको ही मिलेगा। अगर आपने अपनी टीम के साथ मिलके ये 81,000 बीवी का बिजनेस किया है तो ये 16,200 आपकी टीम में बिजनेस के हिसाब से बांट दिया जाएगा। एक बात बता दूं कि आप अभी 20% पर आ गए, और अगर आपने 2-3 महीना काम नहीं किया और 2-3 महीने बाद फिर से काम करना शुरू किया तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप वहीं से शुरू कर सकते हो जहां से आपने ये छोड़ा था 20% से। और दूसरी कोई भी कंपनी में ऐसी सिस्टम नहीं है। दूसरी सभी कंपनी में अगर हम काम करना बंद कर दें तो हमारा बिजनेस शून्य हो जाता है और हमें शून्य से स्टार्ट करना पड़ता है, पर वेस्टेज में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा प्रमोशन ही होगा, डिमोशन नहीं होगा। डायरेक्टर बोनस, ये सभी क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को कंपनी के टर्नओवर का 14% मिलता है, तो ये 14% कैसे मिलता है, चलो देखते हैं। 14% ऑफ मंथली बिजनेस वॉल्यूम अपॉन टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स कलेक्टेड इक्वल्स डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू मंथली बिजनेस वॉल्यूम। ये क्या होता है, एक महीने में पूरे इंडिया में कंपनी का जितना बिजनेस होता है उससे मंथली बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स ये क्या है, मान लो कि ये आप हो और आपने डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लिया, जब आपकी टीम का बिजनेस 32,016 बीवी होता है तो आपको अपने पर्सनल बिजनेस जितना होता है उसका 6% मिलता है, मतलब अगर आपने 1,000 बीवी का प्रोडक्ट लिया तो इसका 6% होता है 60। ये 60 आपके रुपीज नहीं है, ये 60 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स है। आपके नीचे ये एक व्यक्ति है, वो डायरेक्टर हो जाता है तो हमें 3 लेवल डेप्थ का डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलता है। आपके नीचे जो व्यक्ति है उसका 32,000 बीवी का बिजनेस होता है, इसका हमें 5% मिलता है, 32,000 का 5% होता है 1,600। ये 1,600 हमारी डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स है। ये डायरेक्टर बोनस का चार्ट है, इसमें हमारे नीचे जितने डायरेक्टर बढ़ेंगे उतना डेप्थ लेवल बढ़ेगा, तो पूरे इंडिया में जितने भी डायरेक्टर होते हैं सबके जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स होते हैं वो सबको मिला दे तो जो वैल्यू आती है उसे टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट कलेक्टेड कहते हैं। अभी का डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू 80 पैसा चल रहा है, मतलब हमारा जितना भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलता है उसको 80 पैसा से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उतना हमें डायरेक्टर बोनस का कमीशन मिलता है। एग्जाम्पल, अगर हमारा 5,000 डायरेक्टर बोनस पॉइंट बना तो उसको 0.80 सेकंड मल्टीप्लाई करी तो 4,000 रुपए होता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जब हम सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं, मतलब जब हमारा एक पार्टनर डायरेक्टर बन जाता है और उस पार्टनर के ग्रुप से 90,000 बीवी का बिजनेस होता है, तभी ये बोनस कंपनी के टर्नओवर का 15% मिलना स्टार्ट होता है। 15% ऑफ कंपनी मंथली बिजनेस वॉल्यूम अपॉन टोटल एलओबी पॉइंट्स कलेक्टेड इक्वल्स एलओबी पॉइंट वैल्यू। एक महीने में पूरे इंडिया में कंपनी का जितना बिजनेस होता है उससे मंथली बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। टोटल एलओबी पॉइंट्स कलेक्टेड ये क्या है, ये भी सेम वैसे ही मिलता है जैसे डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स मिलता है। ये एलओबी का चार्ट है, हमारे नीचे जितने डायरेक्टर बढ़ेंगे उतना डेप्थ लेवल बढ़ेगा, तो पूरे इंडिया में जितने भी सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे होते हैं सबके जो एलओबी पॉइंट्स होते हैं वो सबको मिला दे
तो जो वैल्यू आती है उसे टोटल एलओबी पॉइंट्स कलेक्टेड कहते हैं। आज का एलओबी पॉइंट वैल्यू 2 रुपीज 40 पैसा चल रहा है, मतलब हमारा जितना भी एलओबी पॉइंट्स बनता है उसको 2 रुपीज 40 पैसा से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उतना हमें एलओबी का कमीशन मिलता है। एग्जाम्पल, अगर हमारा 5000 एलओबी पॉइंट्स बना तो उसको 2.40 सेकंड मल्टीप्लाई करें तो 12000 होता है। ये 12000 एलओबी का कमीशन होता है। ट्रैवल फंड, जब हम सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, मतलब जब हमारा एक पार्टनर डायरेक्टर बन जाता है और हम 3 महीने के लिए सिल्वर डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करते हैं, तो हमें लाइफ टाइम के लिए कंपनी के टर्नओवर का 3% ट्रैवल फंड मिलना स्टार्ट होता है। 3% ऑफ कंपनीज टोटल मंथली बिजनेस वॉल्यूम अपॉन टोटल ट्रैवल फंड पॉइंट्स कलेक्टेड इक्वल्स ट्रैवल फंड पॉइंट वैल्यू। सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन कैसे होगा? एग्जाम्पल, मान लो कि ये आप हो और आपके नीचे 6 पार्टनर है। एक पार्टनर डायरेक्टर बन जाता है, मतलब उसके ग्रुप से 32000 बीवी का बिजनेस होना चाहिए और ये जो 5 पार्टनर है उन सबके ग्रुप से टोटल 29000 बीवी का बिजनेस होता है। तो हमारा सिल्वर डायरेक्टर लेवल मेंटेन हो जाता है और 3 महीने तक मेंटेन करने के बाद 4th महीने से लाइफ टाइम के लिए हमें ट्रैवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कार फंड, जब हम स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं, मतलब जब हमारी 3 पार्टनर डायरेक्टर बन जाते हैं और हम 3 महीने के लिए स्टार डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करते हैं, तो हमें लाइफ टाइम के लिए कंपनी के टर्नओवर का 5% का फंड मिलना स्टार्ट होता है। 5% ऑफ कंपनीज मंथली बिजनेस वॉल्यूम अपॉन टोटल का फंड पॉइंट्स कलेक्टेड इक्वल्स का फंड पॉइंट वैल्यू। स्टार डायरेक्टर का लेवल मेंटेन ये कैसे होगा? मान लो कि ये आप है और आपके नीचे ये 6 पार्टनर है, उसमें से 3 डायरेक्टर हो जाते हैं, तो वो तीनों को डायरेक्टर मेंटेन करना होता है, मतलब उन सब डायरेक्टर के ग्रुप से 32000 बीवी का बिजनेस होता है जिससे उन्हें डायरेक्टर बोनस मिले, और ये जो 3 पार्टनर है उनसे टोटल 16000 बीवी का बिजनेस होता है। तो हमारा स्टार डायरेक्टर लेवल मेंटेन होता है, हमें 3 महीने तक इतना बिजनेस करना होता है जिससे लाइफ टाइम के लिए हमें कार फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाउस फंड, जब हम क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, मतलब जब हमारे नीचे 6 पार्टनर डायरेक्टर बन जाते हैं और हम 3 महीने के लिए क्राउन डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करते हैं, तो हमें लाइफ टाइम के लिए कंपनी के टर्नओवर का 3% हाउस फंड मिलना स्टार्ट होता है। 3% ऑफ कंपनीज टोटल मंथली बिजनेस वॉल्यूम अपॉन टोटल हाउस फंड पॉइंट्स कलेक्टेड इक्वल्स हाउस फंड पॉइंट वैल्यू। क्राउन डायरेक्टर का लेवल कैसे मेंटेन करना है? हमारे नीचे जो 6 लूप डायरेक्टर है वो सब अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन करे, मतलब सब 32000 बीवी का बिजनेस करते हैं, तो हमारा क्राउन डायरेक्टर लेवल मेंटेन हो जाएगा और 4th महीने से लाइफ टाइम के लिए हाउस फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो था कि कैसे कंपनी हमें कमीशन देती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस बिजनेस से बड़ी ही आसानी से 1 लाख का मंथली कमीशन ले सकते हो, वो भी सिर्फ अपनी दुकान बदल के। मान लो कि ये आप हो, आपने 6 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया और फिर वो 6 लोगों ने और 6 लोगों को बताया, टोटल हुए 36। इसी तरह से 36 लोगों ने 6 लोगों को बताया, मतलब टोटल हुए 216। और फिर 216 लोगों ने 6 लोगों को बताया, मतलब टोटल हुए 1296। अभी आपके नीचे टोटल टीम बन गई 6 + 36 + 216 + 1296 इक्वल 1554 जन की। तो अगर ये लोग सिर्फ 1000 रुपीज का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लगभग 2,40,000 का चेक आएगा। मान लो अगर सिर्फ 50% लोगों ही ये 1000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया तो हमें 1,20,000 का कमीशन आएगा। अगर सिर्फ 25% जन भी लेते हैं तो लगभग 50,000 से 60,000 तक कमीशन आएगा। अगर सिर्फ 12.5% जन भी लेते हैं तो लगभग 25,000 से 30,000 तक का कमीशन आएगा। फ्रेंड्स, ऐसी सिस्टम तो किसी भी बिजनेस में नहीं होगी। आप सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते करते इतनी अच्छी इनकम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो आप इस बिजनेस में जुड़ के बड़ी ही आसानी से कमा सकते हो, वो भी बहुत कम मेहनत करके। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग फ्री है और कोई रिन्यूअल भी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री। और नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना न भूलें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब दिस चैनल।